हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ हिंदी व्याकरण का समास, जिसमें आपको सारे समास के बारे में बताएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे पीसीसी इंडियन माय यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और हमारा छठा है द्विगु समास। तो चलिए पढ़ते हैं अव्ययीभाव के समास। अव्ययीभाव समास, इस समास में का पहला पद होता है वो छोटा होता है। जिस शब्द का पहला पद प्रधान होता है वह शब्द अव्ययीभाव शब्द होता है। यानी कि जो शब्द का पहला पद छोटा होता है, जिस शब्द का पहला पद छोटा और दूसरा पद प्रधान हो, वह शब्द हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति हमारा प्रधान है और छोटा भी है। ठीक, मैं क्या बताया था, जिसमें पहला पद, जिसका पहला पद छोटा हो, तो आजन आम हमारा छोटा है, प्रतिदिन में हमारा प्रति छोटा है और दिन बड़ा है, यथासंभव में यथा प्लस संभव, यथा हमारा छोटा है और संभव बड़ा है, तो यथा संभव। तो चलिए बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की ओर। अगला हमारा तत्पुरुष समास, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद छोटा हो तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जिस पद का दूसरा पद प्रधान होता है वह शब्द हमारा तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, राजा का कुमार प्रधान है, राजपुत राजा का पुत्र, यानी कि पुत्री से तो पहचान रहा है कि राज हमारा पुत्र है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब तत्पुरुष हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को आ रहा है हमारा, तो यह हमारा कर्म तत्पुरुष है। दूसरा हमारा कर्ण तत्पुरुष, दूसरा लिखना था, दूसरा हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में मैं शब्द का प्रयोग होता है। कर्ण तत्पुरुष में से शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि से। तो देख लीजिए, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, से शब्द आया, करुणा से पूर्ण आया, जिसमें पूछा जाए करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण में कौन सा समास को लिख देंगे, हमारा कर्ण तत्पुरुष में क्या है समास है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में देख लेते हैं, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में किसी सबसे अलग होने का, यानी कि अपादान में किसी सबसे अलग होने का प्रयोग होता है।
जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी कि पाप से मुक्त होना, पाप से मुक्त क्या बना अपादान तत्व से। चलिए अगला देख लेते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में किसी से संबंध होने का प्रयोग होता है, यानी कि राज पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। अगला देख लेते हैं, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मे शब्द का प्रयोग होता है, अधिकरण तत्पुरुष में मे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पुरुषों में उत्तम, मे शब्द आया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। चलिए हमारा तीसरा देखेंगे द्वंद्व समास। हमारा तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ट्रिक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के उल्टे होते हैं वह हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे जैसे पाप पुण्य, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सुख दुख, सुख और दुख, ये हमारा क्या है द्वंद्व समास है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, तो अगला हमारा बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता था दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हुए वहाँ बहुव्रीही समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला अम्बर जिसका, लंबोदर, लंबा होदर जिसका, गणेश। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला हमारा, अगला हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताए वहां कर्मधारय समास होता है। चरण कमल, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह। तो ये हो गए हमारे समास। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।